दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में। जैसा कि हम इस प्रोग्राम में भारत के प्रमुख संगठनों एवं संस्थाओं के विषय में जानकारी लेते हैं, तो आज का जो हमारा विषय है वो भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आगे की बात करें इससे पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में लक्ष्य क्लासेस को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, भारत निर्वाचन आयोग जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि एक संवैधानिक संस्था है जिसका निर्माण संविधान के अनुसार किया गया है, यानी जब से हमारा संविधान बना है तो उसी के अकॉर्डिंग इसका निर्माण किया गया है, और यानी कि इसे कहीं भी बाद में नहीं जोड़ा गया, ये शुरुआत से ही संविधान में सम्मिलित रहा है। तो ये एक संवैधानिक संस्था है जो कि स्वायत्त संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य करता है। तो इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भारत निर्वाचन आयोग जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, यानी कि यह किसी मंत्रालय या फिर किसी विभाग के अधीन नहीं आता, यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष बॉडी के रूप में काम करता है। तो देश में लोकसभा के चुनाव हो, राज्यसभा के हो, राज्य विधानसभाओं के, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के, इनके चुनाव हो तो इनके चुनाव के संचालन करने का अधिकार जो है भारत निर्वाचन आयोग को है। लेकिन अगर कहीं पर यह प्रश्न बने कि जो पंचायत का चुनाव होता है या फिर नगरीय जो स्वशासन है, नगरीय स्वशासन के जो चुनाव होते हैं इनके चुनाव कौन करवाता है, तो इनके चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो इसका एक अलग कंसेप्ट है, एक अलग संविधान संशोधन के माध्यम से इनको लाया गया था, तो उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के, राज्य विधानसभाओं के, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनावों का जो संचालन करता है वो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उसका संचालन किया जाता है, उसकी देखरेख की जाती है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान का भाग 15, कौन सा भाग? भाग 15 चुनाव आयोग से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात की गई है। यानी कि संविधान के भाग 15 में, किस में? भाग 15 में चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना के विषय में बात की गई है कि एक आयोग होगा जो चुनावों का संचालन करेगा, जो संविधान के भाग 15 में स्थित है या निहित है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 324, कौन सा अनुच्छेद? 324 से 329 तक, 324 से 329 तक चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि के विषय में बताया गया है, जो कि संविधान के किस में, किस भाग में है? भाग 15 में निहित है। इसके अतिरिक्त तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। अभी हाल ही में चुनाव आयोग सुर्खियों में भी बना रहा, क्यों? क्योंकि अभी इसके जो है मुख्य चुनाव आयुक्त नए नियुक्त किए गए हैं। तो कौन अभी नियुक्त किए गए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिन्हें भी पता है। तो अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना, जो एक स्ट्रक्चर है, कोई भी संस्था है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसके कुछ सदस्य होते हैं जो उसका संचालन करते हैं। तो निर्वाचन आयोग में मूल रूप से अगर हम बात करें, जब निर्वाचन आयोग बना था, कब बना था? 25 जनवरी 1950 को जब इसका निर्माण किया गया था, तब इसमें केवल एक चुनाव आयुक्त होता था। यानी कि अभी हम देखते हैं कि तीन चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, लेकिन इसमें केवल एक ही चुनाव आयुक्त का प्रावधान किया गया था मूल रूप में, शुरुआती में। लेकिन आगे भविष्य में कब? 16 अक्टूबर 1989 में, यानी कि 1989 में, 16 अक्टूबर 1989 में इसे तीन सदस्यीय आयोग के रूप में बदल दिया गया, तीन सदस्यीय संस्था के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना जारी की और इसे तीन सदस्यीय एक निकाय के रूप में, एक बॉडी के रूप में स्थापित कर दिया। अब बात एक ये भी रही कि बाद में 1991 तक ये एक बार फिर से कुछ समय बाद, 16 अक्टूबर 1989 के बाद ये तीन सदस्य ही हो गया, लेकिन कुछ समय बाद ये फिर से एक सदस्य ही हो जाता है। फिर उसके बाद
1 अक्टूबर 1991 को ये एक बार फिर से 3 सदस्यीय संगठन के रूप में बदल जाता है। तो हालांकि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अभी जो हमारा निर्वाचन आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग है या चुनाव आयोग है, वो कितने सदस्यीय आयोग है? 3 सदस्यीय आयोग के रूप में काम करता है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा अन्य जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इनके कार्यकाल की, तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी आयु तक होता है, जो भी इन दोनों में पहले हो वहाँ तक इनका कार्यकाल रहता है, या फिर कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाए या फिर 6 वर्ष पूरा होने से पहले 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लें तो ये रिटायर हो जाते हैं। तो यानी जो भी पहले हो उसके अनुसार जो है इनका कार्यकाल होता है। तो ध्यान रखना है हमें कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान दर्जा प्राप्त होता है, उन्हीं के समान वेतन भत्ते और अन्य कुछ अधिकार या कह सकते हैं जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें जो है सर्वोच्च न्यायालय को ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अनुसार ही पद से हटाया जा सकता है। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है, उसी प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। यानी कि जिस तरीके से एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, इसके अलावा भारत के लेखा महापरीक्षक नियंत्रक को यानी कैग को पद से हटाया जा सकता है, वैसे ही सेम किसको हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन एक जो संसद की जो प्रक्रिया कैसी हो, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 में एक प्रक्रिया बताई गई है, उसी प्रक्रिया के अनुसार ही इनको भी पद से हटाया जा सकता है। यानी कि इनको पद से हटाना आसान नहीं है, संसद में प्रॉपर एक प्रक्रिया को लेकर आना पड़ता है। तो इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की संरचना को, अभी हमने देखा, इसके अतिरिक्त जो मुख्य तथ्य हैं कि इसका जो कार्य है, इसके जो कार्य हैं कि इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर, आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्य तय करना है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लिख सकते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य, ठीक है, निर्वाचन आयोग के कार्य। यदि आप नोट डाउन कर रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, निर्वाचन आयोग के अब हम कार्य देख रहे हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि आम चुनाव या उपचुनाव करवाए जाना, इसका जो है एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अतिरिक्त बात करें तो ये निर्वाचक नामावली तैयार करता है, यानी वोटर लिस्ट तैयार करता है कि कौन कौन लोग वोट डालने के योग्य हैं, उनकी नामावली तैयार करता है। इसके अतिरिक्त मतदाता पहचान पत्र ये जारी करता है, यानी कि जो आपका वोटर आईडी कार्ड होता है उसको भी कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग ही उसे जारी करता है। इसके अतिरिक्त देखें तो ये राजनीतिक दलों, किसको? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है कि भाई कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है, राज्य स्तर की है, क्षेत्रीय स्तर की है, तो उसको कौन मान्यता प्रदान करता है? वह भारतीय निर्वाचन आयोग उसे प्रदान करता है। और उनसे संबंधित जो विवाद होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनको निपटाने का, और उन्हें चुनाव चिन्ह भी कौन आवंटित करता है? निर्वाचन आयोग आवंटित करता है। यानी कि किसी भी पार्टी का कोई एक चिन्ह होता है तो वो कौन देगा चिन्ह? वह भी भारत निर्वाचन आयोग ही प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में क्या जारी करता है? आदर्श आचार संहिता, ठीक है, आदर्श आचार संहिता इसे जारी करता है। हम इसे अक्सर जब भी चुनाव शुरू होने वाले होते हैं तो उससे पहले आदर्श आचार संहिता लागू होती है, और ये लागू कौन करता है? ये भी भारत निर्वाचन आयोग ही लागू करता है। इसके अतिरिक्त आगे चलें तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमें देख लेने चाहिए जो कि अक्सर समाचारों में बने रह सकते हैं और इनसे प्रश्न उठते हैं। तो आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर समझ सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं कि अनुच्छेद 324 क्या कहता है कि चुनाव आयोग चुनावों के लिए एक निहित दायित्व का निर्वहन करेगा, यानी कि चुनाव को करवाने की पूरी प्रक्रिया को फॉलो करेगा। अनुच्छेद 325 ये कहता है कि चुनाव आयोग अपनी मतदाता सूची
में बिना किसी भेदभाव के धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा और सभी को जो मतदान करने योग्य हैं उनको जो है उस मतदाता सूची में शामिल करेगा। वह किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म से आता हो या विशेष जाति से आता हो या विशेष लिंग से आता हो उसको इन आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 326 क्या कहता है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी कि जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है, जो व्यक्ति 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है वह इस निर्वाचन प्रणाली में भाग ले सकता है और चुनाव में वोटिंग कर सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 327 कहता है कि विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद कानून बनाने की शक्ति रखता है। इसके अतिरिक्त 328 कहता है राज्य विधानमंडलों को कि वह चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति रखता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों के लिए के द्वारा जो किए जाने वाला हस्तक्षेप है तो उसके लिए एक बार बनाएगा, एक संस्था, एक संगठन या कह सकते हैं कि एक परिषद की स्थापना ये करता है। 329 में इस कंसेप्ट को समझाया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कुछ प्रमुख तथ्यों की जो सुर्खियों में बने रहते हैं और हमारे एग्जाम्स में आते हैं, जैसे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार, चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, और अभी हम 23वें नंबर से जोड़ते हैं या हम 23वें नंबर से अगर हम गिनती करें अभी चूंकि हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रहे, सुनील अरोड़ा रहे। इसके अतिरिक्त 24वें जो हैं वो कौन है, सुशील चंद्रा रहे, जो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अभी जो वर्तमान में नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो 25वें क्रम के हैं और नाम है उनका राजीव कुमार। तो यहाँ तक हमने चुनाव आयोग के संबंध में कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारियाँ इकट्ठा की जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसके साथ साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन भाई आपको मिल सके और आप जो हैं हमारी वीडियोस को रेगुलर देख सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी वीडियो, दोस्तों में भी जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।